BJP MLAs on Sunday disrupted the proceedings in the J&K Assembly and demanded the arrest of former Minister of State for Home, Sajjad Ahmad Kitchloo. Kitchloo was allegedly found guilty of communal riots in Kishtwar by the Gandhi Commission report. 2009 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के अंदर 9 अगस्त 2013 को किश्तवाड़ में बहुत जबरदस्त कम्युनल क्लैशेस हुई थी और उसके बाद जस्टिस गांधी कमीशन गठित किया गया था. जस्टिस गांधी के कमीशन ने जो रिपोर्ट असेंबली के टेबल में असेंबली को सबमिट की है उससे अब सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि उस वक्त के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में जो गृह मंत्री थे सज्जाद अहमद किचलू जो आज लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी हैं यहाँ वो जिम्मेवार थे. उन्होंने उनकी देखरेख के अंदर सारा हुआ उनकी डायरेक्शन के ऊपर किश्तवाड़ के अंदर लोगों का कत्ल हुआ. किश्तवाड़ के अंदर लोगों के घर जले. वहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद के ऊपर पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवाइड कर दिया गया और जो बहुत पुराना हमारा भाईचारा था हिंदू मुस्लिम उसको बांटने की ये बहुत बड़ी साजिश थी. ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं इसलिए हमने मांग की है सरकार से कि सरकार तुरंत सज्जाद किचलू और जो बाकी के तीन दो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल के पीछे बंद करे क्योंकि ये लोग कातिल हैं. उस फसाद के अंदर तीन लोगों की हत्याएं हुई थी 80 से ऊपर लोग घायल हुए थे. अब जस्टिस गांधी ने जब बता दिया है कि यही लोग जिम्मेवार हैं इन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए. Minister for Law and Parliamentary Affairs, Bashrat Bukhari, replied to the protesting opposition that the government has received the report but it has not been able to go through the report because of budget session. Kitchloo is presently the member of Legislative Council. Correspondent Sominder from Jammu for ANI.